उधर मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत सीएम बाल गोपाल योजना 2 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। राज्य सरकार ने डूंगरपुर जिले के शिक्षा विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। सरकार की सीएम बाल गोपाल योजना से डूंगरपुर जिले के 2 लाख से अधिक बच्चों को सप्ताह में 2 दिन लाभ मिलेगा। इसके लिए 1,24,000 किलो दूध पाउडर की आवश्यकता होगी। वर्ष 2022-23 की मुख्यमंत्री घोषणा में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत जिले में लगभग 2,21,000 छात्र छात्राओं के लिए दूध का आवंटन की प्रक्रियाधीन है। अक्टूबर माह में यह शुरुआत हो जाएगी। करीब 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं वो लगभग 1,33,000 हैं और 88,000 बच्चे हैं जो 6 से 8 तक लाभान्वित होंगे। बढ़ते आगे, बीकानेर में लंपी बीमारी से गोवंश को बचाने के लिए युवतियां भी सहयोग कर रही हैं। युवाओं का ग्रुप गोवंश को बचाने में जुटा है। फाउंडेशन से जुड़ी प्रियंका भारद्वाज ने बताया कि फाउंडेशन के सभी सदस्यों के आर्थिक सहयोग से गायों का मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही गोवंश को औषधीय लड्डू खिलाए जा रहे हैं। इन लड्डुओं से लंपी संक्रमित गाय ठीक भी हो रही है। हमारी टीम है यूथ सोशल ग्राम फाउंडेशन और हम लोग सभी एनएसएस के स्टूडेंट्स हैं इसमें और सभी मिलकर गायों के लिए लड्डू बना रहे हैं औषधि वाले। जोधपुर में जो गौशाला है वहाँ से हमने रेसिपी ली थी और फिर हम लोग सभी लोग अपना चंदा इकट्ठा करके और हमने घरों में लड्डू बनाए हैं और हम लिमिटेड एरिया में जाकर गायों को लड्डू देते हैं। प्रतापगढ़ की देवगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से 285 किलो डोडा चूरा बरामद किया। बता दें कि देवगढ़ थाना पुलिस को नाकेबंदी के दौरान सफेद कलर की एक क्रेटा लग्जरी कार प्रतापगढ़ की तरफ से जाती तेज गति में दिखाई दी, जिसे हाथ देखकर रोका गया लेकिन नहीं रुकी। पुलिस ने कार का पीछा किया जिस पर देवगढ़ क्षेत्र के आड़ा वेला के पास चालक कार को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में फरार हो गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसके अंदर से 19 प्लास्टिक के कट्टों में करीब 285 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। दौरान नाकाबंदी क्रेटा कार नाकाबंदी तोड़कर भागा, आड़ा वेला जंगल में कार को छोड़कर भाग गया। कार में तलाशी ली तो 2 क्विंटल 85 किलो डोडा चूरा मिला। कुल 19 कट्टों में भरा हुआ था डोडा चूरा। वह कार जब्त कर आरोपी की तलाश जारी है। दौरान